शुरुआत लक्ष्मण जी मैं आपसे कर रहा हूं, क्योंकि मामला शिक्षा और रोजगार का है। क्या इस देश में 53 करोड़ युवा जिनकी बात कर रहे हैं, ये दुनिया में किसी भी दूसरे देश की, इंडिया और चाइना को छोड़ दें तो उसकी जनसंख्या से भी ज्यादा बड़ी संख्या है 53 करोड़। उसके लिए ये कहना कि ये जॉब सीकर्स नहीं, ये जॉब क्रिएटर है, ये लोगों को जॉब देंगे। हकीकत ये है कि पान दुकान और चाय दुकान पर मुखर्जी नगर में आप जहां रहते हैं, जिस इलाके में, विजयनगर और डीयू के आसपास का इलाका, चाय दुकान वाले लोगों से आप जाकर के पूछ लिए कि वहां लड़कों की तादाद कितनी कम हो गई है। तो ऐसे हालात में इस प्रकार का सपना दिखाना है, इस सपना दिखाने की प्रवृत्ति और लोगों से ताली बजवा लेना, इसे आप किस तरह से देखते हैं? म्यूट है आप। अभिषेक जी, जो आज का मुद्दा है बहुत जरूरी मुद्दा है, जिस पर आपने बातचीत के लिए ये मंच दिया है, लेकिन आप काम बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। वो जो ख्वाब दिखा रहे हैं, वो जो एक सिगुफा छोड़ रहे हैं, आप उसकी तहें खोलने का काम कर रहे हैं। तो इस लिहाज से, उनके लिहाज से तो ये जोखिम भरा काम है, लेकिन आप और आपका चैनल लगातार वो जोखिम उठा रहा है, तो हम लोग भी साहस करके ये सच यहाँ पर बोलेंगे। मसलन, सबसे पहली बात, क्या इस देश में, मेरा पहला सवाल है ऑडियंस से, आपके जरिए ऑडियंस से, क्या इस देश में इस समय ज्ञान, विज्ञान, तर्क, विवेक, वैज्ञानिक सोच, संवैधानिक मूल्य, विमर्श, वाद विवाद, संवाद, इसकी कोई जगह बची है? आप कहीं तर्क करके किसी तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचे, इसके लिए जरूरी होता है कि आप कुछ आंकड़े लेते हैं, आप तर्क गढ़ते हैं और उससे समाज में बहस पैदा करते हैं। भारत का संविधान कहता है कि हम एक ऐसा नागरिक समाज पैदा करेंगे जो वैज्ञानिक सोच विचार पर होगा, वैज्ञानिक चेतना को आगे बढ़ाएंगे। भारत के संविधान में ख्वाब देखा गया है भारत का, और अब हम जहां पर खड़े हैं ऐसा प्रतीत होता है, और मैं विश्वविद्यालय से जुड़े होने के बाद भी इस बात को पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि हम ज्ञान, विज्ञान, तर्क, विवेक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसी जो जमीन थी हमारी, उस जमीन पर ही कुदाल चला रहे हैं। इसलिए भारत का शिक्षा मंत्री बनने के बाद ऐसी ऐसी बातें बोली जा रही है, ये वाले तो थोड़े ठीक हैं, पिछले वाले क्या थे? पिछले वाले ने कहा था कि विज्ञान से ज्यादा तार्किक तो ज्योतिष विज्ञान है, ये गोबर में विज्ञान ढूंढने वाला। तो अभिषेक जी, पहली टिप्पणी मेरी यही है कि हम उस दौर में हैं जहां पढ़ा लिखा होना अर्बन नक्सल कहलाना है, जेल में होना है, छात्र विद्यार्थी प्रोफेसर जेल में है, और BHU में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर अपने गेट पर बैठ कर कहते हैं कि गोबर से उपला बना करके कैसे रोजगार होगा, सृजन होगा, आइए हम उसकी भी बात करते हैं। वो पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर और वो कह रहे हैं गोबर से उपला बना करके रोजगार देंगे। पहली टिप्पणी मेरी ये है कि हम उस जमीन को खोते जा रहे हैं जहां तर्क, विवेक, वैज्ञानिकता और संवाद की गुंजाइश थी। इसलिए मैं ऐसे किसी शिक्षा मंत्री के बयान को गंभीरता से ही नहीं लेता जो इस तरह के उथले बयान दे। भूखे को कहा जाए कि भूख तुम्हें लगी है तो अनाज मांगो मत, खाना मांगो मत, खाना देने वाले बनो, ये तो वो तर्क हो गया ना। आपके पास कपड़ा नहीं और आपसे, आपको सिखाया जाए कि इसकी चिंता मत करो कि कपड़ा नहीं है, ये वो बात है जहां जा रही है कि इस देश में धर्म की आड़ में एक तर्क गढ़ा गया था कि जो यहाँ दूध दही घी नहीं खा पाता था उसके लिए कहा गया कि यहाँ बर्दाश्त करो, सहो, स्वर्ग में दूध दही की नदियां मिलेंगी, कहीं उस पटरी पर तो नहीं है। एक बात, और दूसरी बात, आंकड़े की बात कर ले, दो तीन छोटे छोटे तथ्य दे देता हूं। पहला आंकड़ा, इस समय देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में औसतन 40-50% जो प्रोफेसर की पोस्ट है, असिस्टेंट एसोसिएट और प्रोफेसर ग्रेड पर, सैंक्शन पोस्ट 40-50% ऐसी है जो वैकेंट है, भरी नहीं जा रही। मेरे अपने दिल्ली विश्वविद्यालय के तकरीबन 10,000 प्रोफेसर की सैंक्शन पोस्ट में 6,000 एडहॉक प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, और मैं 12 साल से एडहॉक हूं, मैं परमानेंट नहीं हूं। बाहर की दुनिया में आप लोग कह देते हैं कि मैं प्रोफेसर हूं, मैं भी कहता हूं कि हाँ, मैंने मेहनत से डिग्री ली है
और मैं जी लक्ष्मण जी, मैं वैसे लोगों को जानता हूं जो 2004-5 के दौर में, मैं व्यक्तिगत रूप से उनको जानता हूं, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में उनकी पीजी की डिग्री और नेट की डिग्री एक साथ आई और तुरंत वैकेंसी भी आई और वो तत्काल 22 साल की उम्र में 3 महीने उनको पीजी की हुई और परमानेंट प्रोफेसर हो गए, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए 2004-5 में। तो एक वो दौर भी था, और आप कह रहे हैं कि आप 12 साल से हैं। मैं मुझसे ज्यादा सीनियर लोग हैं विवेकानंद कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय का, जिसमें 2 महिला साथी हमारी एडहॉक पर रहते हुए रिटायर्ड हो गई, बाकी की बात छोड़िए, इसमें 16-20 साल से लोग एडहॉक पर काम कर रहे हैं। नंबर एक बात, ये आंकड़ा है, सैंक्शन पोस्ट के लिए बजट एलोकेशन होता है। इस देश में लगभग 40-50% पोस्ट हर एक जगह की वैकेंट है और आप उसको फुलफिल नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए अलग से बजट एलोकेशन नहीं होता। हालांकि अब तो इतना पैसा हो गया क्योंकि पेट्रोल का भी दाम बढ़ गया, डीजल का भी दाम बढ़ गया, सीएनजी भी बढ़ गई, तो विकास के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा तो खूब आ रहा है। तो ये एक बात, शिक्षा जगत की मेरी मैं फोकस होकर बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, जो फेलोशिप मिलती थी, हमें पता है कि फेलोशिप फर्स्ट जनरेशन लर्नर जो होता है ना, उसके लिए फेलोशिप केवल उसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन और स्टडी के लिए नहीं, उसके पीछे 2-4 लोग को और वो पढ़ाता है, भाई बहन को, या पढ़ाती है जिसको फेलोशिप मिलता है। इस सरकार ने लगातार फेलोशिप कम की है, बजट एलोकेशन कम कर दिया, सेंट्रलाइज कर दिया। और आखिरी बात, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर देखिए, 90 में 2 काम पैरेलल हुआ। एक तरफ फर्स्ट जनरेशन जो हाशिए पर पड़ा समाज था, इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, पसमांदा और फर्स्ट जनरेशन मेहनत कश आवाम के बच्चे इन विश्वविद्यालयों की दहलीज पर 90 के बाद पहली बार आना शुरू हुए, और उसी समय पैरेलल न्यू लिबरल पॉलिसीज आने शुरू हुई, और उसी न्यू लिबरल पॉलिसीज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का देन है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ग्रेडेड ऑटोनॉमी, क्लोजर मर्जर, मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट, इन तमाम प्रावधानों से तय कर दिया गया है कि ये सारे शिक्षण संस्थान चंद वर्षों में अंबानी अडानी जैसे किसी कारपोरेट घराने के अपने व्यवसाय बन जाएंगे। आप किसको रोजगार देंगे, कहां से रोजगार देंगे? तो इस समय जो तर्क और विवेक पर हमला है, वैसे ही पूरे एजुकेशन को कोलैप्स किया जा रहा है। और कल से शुरू हुआ है सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, और उस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में अभी पता ही नहीं कि कौन फॉर्म भरेगा कौन नहीं, बाजार में जो सब्जेक्ट बिकेगा उसको जो है पढ़ेंगे लोग। और आप ये हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान वाले जो सिलेबस बनेंगे, ये तो इनकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है। एजुकेशन को कोलैप्स करना, एक एक पब्लिक फंडेड एजुकेशन कैरेक्टर को डिस्ट्रॉय करना इसलिए जरूरी है कि अविवेकी मूर्ख भीड़ पैदा हो, जिसको आप समझा सकें कि पकौड़ा बेचना भी रोजगार है, पंचर बेचना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आखिरी बात अभिषेक जी, जब न्यू एनईपी लागू हुआ तो प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कोविड काल में 3 कानून आए थे, श्रमिक कानून, कृषक कानून और न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और उस समय ये कहा गया कि पंचर बेचने का कौशल डेवलपमेंट करेंगे, स्किल डेवलपमेंट, टोटी बनाना, प्लम्बर का काम। अरे भाई, इस देश के 90% मेहनतकश आवाम इन व्यवसायों को करके सदियों से अपना व्यवसाय कर रही है, अपना जीवन यापन कर रही है। शिक्षा तो डिग्री का काम नहीं था, शिक्षा तो मुक्ति का काम था, और आप शिक्षा को भी बेच रहे हो और उसके बाद लोगों को कह रहे हैं रोजगार मांगो मत, रोजगार दो। तो जब शिक्षा बर्बाद हो गई तो रोजगार की पूरी परिभाषा बदल गई और पूरा जॉब मार्केट कोलैप्स कर गया है। मुझे लगता है इन 2 चीजों पर बात रखनी जरूरी। जनता की बात तो आप कर रहे हैं, पब्लिक मूड पर लक्ष्मण यादव जी काफी उत्तर प्रदेश को देख करके आ रहे हैं चुनाव में, और दिल्ली यूनिवर्सिटी और मुखर्जी नगर के मूड को तो ये 2014 के सीसेट मूवमेंट से ही देख रहे हैं काफी करीब से। लक्ष्मण जी, 80 करोड़ लोग प्रधानमंत्री के दावे के को यदि सही माना जाए तो इस देश में 5 किलो अनाज, वो 5 किलो राशन पर, यानी उस राशन के रहमो करम पर जिंदा है। उन 80 करोड़ में जाहिर है 53 करोड़ जो आंकड़ा बताया इन्होंने, इसमें 40 करोड़ तो जरूर उस 80 करोड़ में होंगे जो इन्होंने बताया है धर्मेंद्र प्रधान ने कि बेरोजगार लोग, तो क्या ये कौन सा इकोनॉमिक मॉडल है जिसमें रहमो करम पर जीने वाले लोगों को सीधे सीधे एंटरप्रेन्योर बनाने की दिशा में सरकार, ये कौन सा इकोनॉमिक मॉडल है, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है? मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ, मैं जॉन मेनार्ड कीन्स से लेकर के तमाम अर्थशास्त्रियों को मैंने पढ़ा है, लेकिन मुझे कहीं भी ये मॉडल मिला नहीं है कि जो सीधे 5 किलो राशन पर जिंदा हो उसको सीधे सीधे उद्यमशील बना दिया जाए, रोजगार देने लायक बना दिया जाए। ये मॉडल आता कहाँ से? ये इतना कठिन आप सवाल पूछ रहे हैं कि इसका जवाब तो शायद उन लोगों को भी नहीं पता होगा जो ये मॉडल अपनाए हुए हैं। असल में ये कोई पूरे ग्लोबल का एस्पेक्ट में बात करें
तो इस समय पूरे दुनिया में रोजगार को लेकर के संकट है, क्योंकि पूरे दुनिया में ऐसी न्यूलिबरल पॉलिसीज और इकोनॉमी बनाई गई है जो सब कुछ कॉरपोरेट ओरिएंटेड है, मुनाफा केंद्रित है, वेलफेयर स्टेट केवल दिखाने के लिए रह गए हैं। इसलिए आप देखेंगे कि सब कुछ को ऐसे संचालित किया जा रहा है, और बेरोजगारी कहीं एक जगह नहीं है, पूरी दुनिया में। लेकिन भारत के संदर्भ में कहें तो भारत ने अपना जो इकोनॉमिक मॉडल चुना हुआ है, इस इकोनॉमिक मॉडल में अब ये साफ तौर पर दिख रहा है कि ये वेलफेयर जो इनका अपना एक आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट था, उसको ये अब डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। सब कुछ के लिए वो क्या तंत्र अपना रहे हैं, जैसे आपकी पिछली टिप्पणी को मैं जोड़ रहा हूं, याद दिला रहा हूं, इस समय सबको क्या समझाया जा रहा है कि जो पब्लिक सेक्टर है वो प्रोडक्टिव नहीं रहे। पब्लिक सेक्टर बहुत ज्यादा जो है खर्चा लेता है और बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव है नहीं, इसलिए हम उसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं। और ये बात वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने बहुत बढ़िया गाना गाया था कि वो बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। अब तो देश भी बेच दिया और ऐसा एक क्राउड तैयार कर दिया है जो बिकने के बाद भी उसके पक्ष में तर्क गढ़ रहा है कि पेट्रोल और डीजल इसलिए महंगा हो रहा है क्योंकि विकास के लिए पैसा चाहिए होता। तो पिछली सरकारें विकास, लक्ष्मण जी आपको मैं बता दूं, आपके घर परिवार के बच्चे भी होंगे, मैं भी देख रहा हूं अपने आसपास के नए लड़कों को, जो स्थितियां हैं, गुड़गांव हो, नोएडा हो, पुणे हो, हैदराबाद हो, बेंगलोर हो, आईटी सॉफ्टवेयर फील्ड में एक हवा चली थी यूपीए के टाइम में कि मैक्सिमम लड़के आईटी में जाके कहीं कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, बीटेक में एडमिशन लेते थे। हालांकि सुनीलम जी भी इंजीनियर है, मैं सुनीलम जी ज्यादा बेहतर समझेंगे इन बातों को। उसके बाद 8 साल 10 साल नौकरी करने के बाद उनकी सैलरी महीने में इनहैंड सैलरी 50,000 भी नहीं पहुंच पाई है, ये अर्थव्यवस्था में बुरी हालत है। और यही लोग सबसे ज्यादा खुद को तेजस्वी सूर्य का फैन बता रहे हैं, युवा हृदय सम्राट बता रहे हैं, भारत का भविष्य बता रहे हैं, और मोदीत्व को इस देश के लिए एकमात्र इस देश का तारनहार बता रहे हैं। ये बड़ा अजीब सा उनको छोड़िए अभिषेक जी, उत्तर प्रदेश की चूंकि बात की है आपने तो वहीं से एक और उदाहरण ले लेता हूँ। हमारे यहाँ बीएड कॉलेज कुकुरमुत्ते की तरह खुले थे और बीएड करके सबको नौकरी मिल जाएगी, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। और आज पता ये है कि बीएड करने वाले कॉलेज जिस तरह से पूरा एजुकेशन पैटर्न है ना, उस पर फिर कभी बात होगी, चूंकि आज का मसला रोजगार का है, शिक्षा का होगा तो शिक्षा वाले में बात करेंगे कि किस तरह से 5,000 रुपए डिग्री आप रख दीजिए नेट और जेआरएफ की, और नेट अगर आप हैं एलिजिबल हैं तो डिग्री कॉलेज में, प्राइवेट डिग्री कॉलेज में डिग्री रख दीजिए, 5,000 रुपए आपको घर आ जाएगा, क्लास लेने की जरूरत नहीं। उत्तर प्रदेश में इसका व्यापार चल रहा है। जो सरकारी शिक्षण संस्थान है उसमें टीचर नहीं होंगे। मेरे अपने जिले का जो सबसे बड़ा प्रमुख स्ववित्त पोषित नहीं सरकारी शिक्षण संस्थान है, उसके 12 विभागों में से 9 विभाग ऐसे जिसमें एक भी टीचर प्रोफेसर नहीं है, परमानेंट फैकल्टी, और फिर भी वो डिग्रियां साल के साल बांट रहा है। हमने एजुकेशन को डिग्री बांटने की मशीन बना दी, जो रही सही कसर थी 40% स्वयं ऐप से होगा। नई शिक्षा नीति ने घर बैठ कर डिग्री लीजिए और आप एजुकेट हो जाएंगे। तो ये ऑनलाइन मोड में जो जा रहे हैं उस पर फिर कभी बात होगी। आपके वापस सवाल पर लौटते हैं कि ये जो पूरा न्यू लिबरल पॉलिसी का जो इकोनॉमिक मॉडल है, वो जब ये तर्क देता है कि पूरा पब्लिक फंडेड सिस्टम जो है कोलैप्स कर रहा है, घाटे में जा रहा है, भेल घाटे में जा रहा है, सेल घाटे में जा रहा है, नवरत्न कंपनियां घाटे में जा रही है, बैंक जा रहा है, रेलवे जा रहा है, तो जब सब कुछ इतना घाटे में जा रहा है तो मुनाफा कमाने वाले व्यापारी इस घाटे में जा रही कंपनियों को खरीदते क्यों है? इस तर्क को क्या नहीं समझा जा रहा है इस देश में? सब कुछ फिर भी उसे बेचा जा रहा है, तो 60,000 करोड़ रुपए में बेचा जा रहा है, LIC बेच रहे हैं, सब कुछ बेच रहे हैं। अरे नवरत्न कंपनियों में से कितनी घाटे में थी, आप श्वेत पत्र ले आइए ना। आखिरी बात, ये इकोनॉमिक मॉडल इसी पैटर्न पर काम कर रहा है कि जिसने चुनाव लड़ने के लिए पैसा दिया उसको मुनाफा कमवाइए, एक को बाबा रामदेव बना दीजिए, उसका भी मुनाफा कितना गुना बना बढ़ाया, अभी वो स्वदेशी बेच बेच के कमा लेंगे, कोई कुछ बेच के कमा लेगा। एक तो ये बात। आखिरी बात अभिषेक जी, एम्प्लॉयमेंट पर विमर्श क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि विमर्श में देखिए, रोजगार एक ऐसा शब्द है ना, हमने 2015-16 में यूथ फॉर राइट टू एम्प्लॉयमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ऐसे ही बनाया कुछ दोस्तों ने मिलकर के, कि यार ये सांप्रदायिकता की काट क्या हो सकती है, तो जन सरोकारी मुद्दे हो सकते हैं,
चलो बेरोजगारी पर कम से कम नौजवानों को समझाएंगे बताएंगे, उसी मुखर्जी नगर से शुरू किया था, इलाहाबाद और पटना तक हम गए थे और उसमें लोगों को ये समझा रहे थे कि भाई देखो मैंने 500 RTI दायर की और उस RTI मेरे पास अभी भी पड़ी हुई है, कभी मौका मिलेगा तो दिखाऊंगा। उन RTI से एक एवरेज निकला कि एवरेज 40-50% पोस्ट सेंक्शन पोस्ट वैकेंट है, उसके लिए बजट है लेकिन आप उसको नहीं भर रहे, वो बेरोजगारी। बेरोजगारी में हम एक बात कहते थे 1989 में अमर रॉय प्रधान ने प्राइवेट मेंबर बिल लाया था कि जो राइट टू वर्क को फंडामेंटल राइट बनाया जाए। सुनीलम जी बैठे हुए बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं, समाजवादी नेता हैं, उनको मैं जानता हूं, पिताजी के साथ ही रहे। और जब बीपी सिंह संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी तो सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री बनी, शरद यादव से लेकर के मधु दंडवते और रामविलास पासवान तमाम लोग थे, उनके रिकमेंडेशन में राइट टू वर्क, राइट टू फूड, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सारे बिल थे। वेलफेयर स्टेट का मतलब ये होता था स्टेट आगे बढ़कर के कहे कि ये सारी जिम्मेदारी हमारी है। तो राइट टू वर्क पर कभी बात नहीं हुई, डिग्निटी जो काम की होती है उस पर बात नहीं होती। आखिरी बात कह रहा हूं कि काम का मांगने का हक क्या है, कि जो बीए नहीं किया है वो आपसे ये नहीं कहता है कि मुझे IAS बना दो। जिसकी जो एलिजिबिलिटी है उसको उस एलिजिबिलिटी का जॉब देना, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, ये स्टेट की जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो और संगठित क्षेत्र में 10% भी रोजगार नहीं है, असंगठित क्षेत्र में 90% रोजगार है और 90% असंगठित क्षेत्र के लिए कोई इंप्लॉयमेंट पॉलिसी नहीं है। ये क्या ये मजाक बनाते हैं कि आप जॉब मांगो मत, जॉब दो। अरे भाई अच्छा कौन जॉब नहीं देना चाहता है मुझे ये बताइए। अगर मेरे पास 5 लोगों को नौकरी देने की क्षमता होगी तो मैं 10 लोगों को जॉब पे रखूंगा। ये कौन सा मजाक चल रहा है कि जॉब दो, खाना आपके पास है नहीं खाना वापस बांटो, शिक्षा आप पाए नहीं शिक्षा दो। क्योंकि हो ही रहा है कि जिसके पास डिग्री फेक है वो लोगों को समझा रहा है कि पहली प्लास्टिक सर्जरी गणेश जी थे, नाली गाय से चाय बनती थी और क्या क्या होता था। ये मेरा कहना है कि रोजगार पर अगर इस देश के नौजवानों को एकजुट करना, सुनीलम जी ने अभी एक बात कही, अमित जी भी उससे एग्री होते हुए दिख रहे थे, अगर इस देश को बचाना है ना तो ये यूथ जिसको कश्मीर की चिंता है, जिसको जाली वाला सर झुका के जय श्री राम बोलेगा नारा लगा रहे मस्जिद के सामने, उन लोगों को बचाना है तो उनके घर वालों से मेरी अपील है कि अरे आप अपने बच्चों को बचाइए। इसके हाथ में रोजगार नहीं शिक्षा नहीं है तो मजबूरी में ये हाथ में हथियार लेगा। कलम और किताब देने का खाब दिखाया था भारत के संविधान ने और आज जब उसके हाथ में रोजगार नहीं है ना तो राजनीति ऐसे इस्तेमाल करेगी। इसलिए पूरा इकोनॉमिक मॉडल और इम्प्लॉयमेंट सेंट्रिक जो डिबेट है वो डिस्ट्रॉय कर दी गई। इसलिए हम लोग जॉब मांगने वाले को अपराधी बना दिया जा रहा है और एजुकेटेड बेरोजगार जो है वो कहाँ जाएंगे, वो खेत में तो जा नहीं सकते। डिग्री आपने दे दी, रोजगार उनको मिल नहीं रहा और इसलिए ये सारा इस देश में जो पूरा पैटर्न है वो इसी दिशा में जा रहा है कि सांप्रदायिकता ही एकमात्र इलाज बचेगी। क्योंकि इन्हें सवाल न पूछे इसलिए शिक्षा बर्बाद कर दो, काम न मांगे इसलिए हाथ को काम दे दो, ये चलो नारा लगाओ और मस्जिद पर अटैक करो और इन सारी चीजों पर, ये मेरी टिप्पणी। पर हम एक ब्रीफ क्लोजिंग रिमार्क चाहेंगे लक्ष्मण जी से। लक्ष्मण जी सोल्यूशन क्या है यूथ, क्या जब पूरी तरह कटोरा हाथ में आ जाएगा, सड़क पर आ जाएगा, तभी जाकर के वो रिवॉल्यूशन के लिए तैयार होगा, या वाकई इस देश में माहौल बन चुका है कि बुलबुला कभी फट सकता है? देखिए इस बात का कोई बहुत ठोस तार्किक जवाब देना तो मुश्किल है कि होने क्या वाला है, कि हम ये कह दें कि बिल्कुल जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा बेरोजगारी के खिलाफ, देश की सड़कों पर इस देश के 18 साल से 30 साल लक्ष्मण जी, अमेरिका में कुछ सालों पहले ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट नाम से एक मूवमेंट शुरू हो गया था, सरकार हिली हुई थी। दिल्मा रोसेफ जो ब्राजील में आई थी वो कहीं ना कहीं युवाओं के बीच जो अनरेस्ट था वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर था उनको सत्ता में लाने में। अन्ना हजारे आंदोलन के बाद की जो उपजी हुई परिस्थितियां थी 2014 के पहले की, उसमें भी एक बड़ा योगदान था यूथ का। देखिए अमेरिका उससे बहुत ज्यादा बुरी है लेकिन यूथ चुप है, ये चिंता। अमेरिका वालों का तो उदाहरण दीजिए मत, उन्होंने अपने एक नमूने को राष्ट्रपति बनाया, अगली बार बदल दिया, वो तो उसके बदल तुरंत चुनाव हुआ उसके बाद सड़कों पर उतर गए थे। दूसरे देशों का जहां जहां उदाहरण दे रहे हैं वहां कोई जनता ये नहीं कहती कि पेट्रोल 200 रुपया हो जाए तो भी हम भरवाएंगे क्योंकि विकास के लिए पैसा चाहिए। यहाँ तो एक अलग ही किस्म का माहौल है, यहाँ लोगों को महंगाई नहीं समझ में आ रही है। 200 रुपये 250 रुपये सरसों का तेल हो गया है, कोई आक्रोश दिख रहा है क्या? उत्तर प्रदेश चुनाव में देखिए क्या हुआ,
उनकी सभाओं में लोग नहीं आ रहे थे, उनको सुनने कोई नहीं आ रहा था, बैकफुट पर चुनाव लड़ रहे थे और 275 सीटें जीत गए। यहां तो बहुत अप्रत्याशित सा सब कुछ हो रहा है ना। इस देश में रुपए की कीमत गिरती है, रुपए की वैल्यू गिरती है कि प्रधानमंत्री की छवि, उसका सब सब कुछ गिर गया, कोई आक्रोश नहीं नजर आ रहा। विपक्षी दल तो किंग कर्तव्य विमूढ़ से बैठे हुए हैं, गोया अब उन्होंने कोई राजनीतिक विकल्प ही नहीं तलाशा है। उत्तर प्रदेश में तमाम सियासी दल जो चुनाव हार गए अभी तक समीक्षा बैठक नहीं कर पाए, और जो जीत गया है वो अगले चुनाव की तैयारी कर रहा है, एमएलसी चुनाव से लेकर के तमाम चुनाव तैयारी कर रहा है। नेता अलग परेशान है, पॉलिटिकल पार्टियां अलग परेशान है, जनता के बीच से एक ऐसा वर्ग, छोटा सा वर्ग है बेशक, लेकिन एक ऐसा वर्ग तैयार कर दिया गया है जो इस तरह की तमाम जन विरोधी नीतियों के विपक्ष में तर्क गढ़ रहा है, चौराहे पर खड़ा होकर दूसरे से लड़ जा रहा है कि अरे ऐसे कैसे बोल रहे हो, देश में सब कुछ ठीक तो हो रहा है। इसलिए विडंबना है अभिषेक जी कि मेरा तो भरोसा डिगा हुआ है, मैं कोई उम्मीद नहीं कर रहा हूं। हसरत मेरी बेशक है कि इस देश में जो 18 से अरे भैया 80% 80% चलो योगी आदित्यनाथ अजय सिंह बिष्ट का आंकड़ा मान ले, 20 का वोट उन्हें नहीं चाहिए था, 80 का चाहिए था, 20 का डर दिखा के 80 की राजनीति करते हो आप। उस अगर बेरोजगार 100 युवा हैं तो 100 में 80 हिंदू होंगे कि नहीं होंगे? उनकी अपने फिलोसफी में भी बेरोजगार सबसे ज्यादा हिंदू है। अरे भी किसका डर दिखा रहे हो, दिन रात सांप्रदायिक जहर फैला रहे हो, दिन रात शिक्षा बर्बाद हो गई, कोई आंदोलन नहीं, बेरोजगारी पर कोई आंदोलन नहीं। इसलिए मैं थोड़ा निराश हूं अभिषेक जी। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा कोई आंदोलन ही नहीं होगा, मैं कह रहा हूं कि इस देश में अब कोई बदलाव आएगा तो जन आंदोलन से ही आएगा।